गुड इवनिंग ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, जो निम्मी की ओल्ड बुक थी उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक 10, 20, 15 टेस्ट हर यूनिट के अंदर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, डेली एक यूनिट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उनके बारे में पूरे अच्छे से जानेंगे, पूरी उनके बिहाइंड की थ्योरी क्या है, जो जो हमें ऑप्शन दिए गए उनके बारे में भी जानेंगे, ताकि हम अच्छे से उन क्वेश्चन को समझ पाए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो शास्त्री के नोट्स हैं या शास्त्री के क्वेश्चंस हैं वो शायद कम आए, लेकिन जो हमारी निमी की बुक्स हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं या भारत स्किल क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम पहले इन पे बात करते हैं, ओके। तो हर दिन हम एक यूनिट डिस्कस करेंगे इसी तरह जैसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, ओके। तो फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो 20 क्वेश्चन है, हम डीप में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सेशन लंबा हो, लाइक 1 आवर 1 आवर एंड 30 मिनट। तो अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, वो नोट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से याद रख पाओ इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा लाइव चैट में जवाब देने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड स्किल एंड एजुकेशन टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब। ऑप्शन आपके पास ए इम्प्लांट ट्रेनिंग, बी वोकेशनल ट्रेनिंग, सी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड डी करिकुलम ट्रेनिंग। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, राइट, सभी का राइट आंसर, सबको पता है वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग वो होती है जहां पे हमें एक जॉब के लिए तैयार किया जाए, ठीक है। अब जैसे हम एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, अगर मान लो आपको सिंपल 10th या 12th के अंदर पास आउट कर दिया गया, ठीक है, आप पास हो गए, तो आपको सिर्फ नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। आपको मैथ सिखा दिया, कैसे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, साइंस के बारे में बता दिया, उसके बाद हमें इंग्लिश बता दी कैसे बोलनी है, हिंदी बता दी, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल हमें नॉलेज दे दी जाएगी, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई जॉब करनी है, मैंने प्लम्बर की जॉब करनी है, तो मैंने क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, पहले सीखना पड़ेगा कि प्लम्बर का काम हमने करना कैसे है। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जहां हमें सर्टिफिकेट भी मिले और साथ ही साथ मैं काम भी सीख पाऊँ, ठीक है, और मुझे पता भी चले कि काम कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो वोकेशनल एजुकेशन में मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी, तो ये सब चीजें होंगी इसके अंदर। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि मान लो किसी ने बाल काटने सीखने हैं, ठीक है, या फिर हेयर डिजाइन करना है, तो क्या करेगा, शेविंग एंड कटिंग में जाएगा, ठीक है, वहां से सीखेगा कि बाल कैसे काटते हैं, ठीक है, नए नए डिजाइन कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीज उसमें आ जाएगी। देन अगर मान लो किसी को ड्राफ्टमैन बनना है, ठीक है, सिविल इंजीनियर लाइन के अंदर जाना है, आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया, ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड ले ली, उसमें बता दें भैया नक्शे कैसे बनते हैं, जितने भी रिलेटेड उससे चीज है ना, कि जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है या फिर नक्शे कैसे बनाते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, तो सारा आपको सिखा देंगे वोकेशनल में, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन में सिखा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो आप जॉब करने जाओ किसी आर्किटेक्ट के पास, तो क्या होगा, आपको पता है कि कैसे जॉब करनी है, ठीक है, तो आपको पहले से ये सब चीजें पता होंगी, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर आपको किसी कंपनी में जाना है, हीरो मोटर कॉर्प में जाना है, तो सबको पहले ही पता होगा कि भैया मैंने कैसे कंपनी, वो जो मेरी कार है उसको कैसे असेंबल करना है, ठीक है, कैसा कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आपको पहले ही बता दिया गया है कि हाँ भैया ये चीज करनी है, ठीक है। तो ये होती है वोकेशनल एजुकेशन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉडी विच इंप्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ आउटकम्स इन द स्किल लैंडस्केप। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो आउटकम अप्रोच होती है ना, वो कौन सी बॉडी बढ़ाती है, ठीक है, स्किल के अंदर कौन सी बॉडी आउटकम्स को बढ़ाती है, कंसिस्टेंट करती है। ऑप्शन दिए गए आपको 4, ए एनसीवीटी, बी एससीवीटी, सी एनएसक्यूएफ और डी एमएसडीई। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, आंसर दीजिए।
ओके आंसर सबको पता है, एनएसक्यूएफ आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि एनएसक्यूएफ है उसके अंदर एक आउटकम बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। उसमें क्या होता है एनएसक्यूएफ के अंदर, जब से एनएसक्यूएफ अप्लाई हुआ है, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, तो आपने फर्क देखा होगा। पहले सिंपल कह दिया जाता था कि भैया इसके अंदर ड्राइंग बनानी है आपने, ऐसे ऐसे ड्राइंग बनानी है, ठीक है, सिंपल सिलेबस में कह दिया जाता था। लेकिन अब सिलेबस में कहा जाता है कि अगर आपने आईटीआई कर लेना 2 साल की, या फिर आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया, तो 6 महीने के बाद आपको इतनी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज के बारे में। अगर मैं बात करूँ किसी पार्टिकुलर ट्रेड की, ठीक है, ड्राफ्ट में सिविल की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मुझे बता दिया कि लाइन के टाइप कौन से होते हैं, ठीक है, और व्यूज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू, ये सब बता दिया। इन सब के बारे में मुझे 6 महीने बाद पता होना चाहिए, साथ ही साथ मुझे सर्वे करवा दी, ठीक है। पहले 6 महीने में इतना करवा दिया ना, तो 6 महीने के बाद मुझे इतनी चीज आनी चाहिए। अगर मेरे सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं तो मुझे इतनी चीज आनी चाहिए। पहले क्या था, सिंपल बता दो, हमें मतलब नहीं बनता कि इतनी चीज आए ना है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आउटकम, भैया हमें परिणाम चाहिए। आउटकम मतलब मुझे परिणाम चाहिए कि इतनी चीज आनी चाहिए इस बंदे को। अगर मैंने इसको बताया सर्वे कैसे करने, तो सर्वे करनी आनी चाहिए। अब उसके अंदर कितनी नॉलेज देनी है, ठीक है, कितना उनको पता होना चाहिए, ये सब एनएसक्यूएफ में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस लेवल तक आईटीआई वाले बच्चे को बताना है, ठीक है, किस लेवल तक सीटीआई वाले बच्चे को बताना है, बीटेक के अंदर कितना पढ़ाया जाएगा, और एमटेक के अंदर कितना पढ़ाया जाएगा, पॉलिटेक्निक में कितना पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज भी गिवन है एनएसक्यूएफ के अंदर कि भैया इस चीज पे, इस लेवल पे बच्चे को इतना पढ़ाना है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है, आप अपना सिलेबस चेक कीजिए, उसमें आउटकम बेस्ड है ना कि हाँ भैया इतना चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आउटकम बेस्ड अप्रोच जो एनएसक्यूएफ ने इम्प्लीमेंट किया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जैसे आप सबको पता है अपना सिलेबस सारा चेंज हो चुका है, भले वो एकेडमिक हो, भले वो टेक्निकल एजुकेशन हो, भले वो वोकेशनल एजुकेशन हो, तो सबका सिलेबस एनएसक्यूएफ के हिसाब से चेंज कर दिया गया है, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉडी विच इनहेंस द स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी वुमेन ट्रेनिंग है ना, उसको कौन सी बॉडी बढ़ावा देती है, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग को कौन सी बॉडी बढ़ावा देती है वुमेन को, तो कौन सी आएगी। ऑप्शन हमारे पास ए एनसीवीटी, बी एनएसटीआई, सी सी स्टार आई, और डी एनएसडीए। तो जवाब दीजिए 10 सेकंड आपके पास, आंसर सबको पता होना चाहिए। ओके, तो लगभग लगभग सबके सही आंसर, बट जिनको कंफ्यूजन है मैं बताना चाहूंगा हमें क्या कहा गया है कि जो वुमेन हमारी फैसिलिटीज है, ठीक है, वुमेन ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ावा देना है, तो कौन देगा। तो यहाँ आंसर आएगा एनएसटीआई, ठीक है। एनएसटीआई क्यों आएगा, क्योंकि आप सबको पता है एनएसटीआई सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे स्पेशल जो वुमेन्स है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स की, ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें क्या होगा, 14 अलग से इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वुमेन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात आईटीआई की भी हो सकती थी, जो आईटीआई वुमेन अलग से कॉलेज बनाए हुए, इंस्टीट्यूट बनाए हुए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें एनएसटीआई सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एनसीवीटी का काम सिर्फ हमारे एग्जाम कंडक्ट करना है, ठीक है, या फिर एफिलेशन देना आईटीआई को, या फिर हमारे जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना एनसीवीटी का काम, ठीक है। सी स्टार आई का काम सेंट्रल के जो स्टाफ है, ट्रेनिंग ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग देना, और उसके साथ साथ हमारा जो सिलेबस है उसको डिजाइन करना। एनएसडीए का काम आपको पता है अब तो मर्ज हो चुकी है एनसीवीटी के साथ, लेकिन एनएसडीए का काम जो रिव्यू करना है, ठीक है, जो टर्म्स बनाए हुए हैं, जो पॉलिसी बनाई है, उनको रिव्यू करना, सिंपल सी बात। तो एनएसटीए का क्या काम है, एनएसटीआई बढ़ावा दे रही है ना, कि जैसे आप देख पा रहे हैं एनएसटीआई वुमेन अगरतला, तो इसमें काफी ट्रेड्स ऐसे हैं जो वुमेन के लिए, यानी कि जो जिसके अंदर वुमेन अपने घर बैठे भी काम कर सके, ठीक है, अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सके, और छोटे से बड़ा भी कर सके। तो आप सबको पता है कि 14 एनएसटीआई ऑल ओवर इंडिया है वुमेन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ आईटीओज वर इश्यूड। अब इसमें क्वेश्चन है सिंपल, जो आईटीओटीज बनी थी हमारी, उनकी गाइडलाइन कब जारी की गई थी, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया था कब बनी थी, ऑप्शन आपके पास ए जनवरी 2012, बी मार्च 2013, सी अप्रैल 2014, डी अगस्त 2015। 10 सेकंड टाइम में जवाब दीजिए।
ओके, सबका आंसर राइट है। जनवरी 2012 के अंदर जो गाइडलाइंस थी उनको जारी किया गया था एनसीवीटी के द्वारा, ठीक है, उनको एफिलिएशन के लिए आईटी ऑडिट के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी 2012 के अंदर। जिनको नहीं पता, जिनका आंसर गलत है, वो कृपया जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर, आप वो देख सकते हो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सीआईटीएस के लिए वो आपको पता चल सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अप्रेंटिसशिप इंगेज इन दी फैक्ट्रीज। अब किसी फैक्ट्री के अंदर अप्रेंटिस लगाना है, ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षु है उनको ट्रेनिंग देनी है, तो कितने परसेंटेज होगी, ठीक है। एक परसेंटेज डिसाइड किया हो ना पहले कि हाँ इतने परसेंट आपको रखनी रखनी है, ठीक है, इतने आप रख सकते हो। तो ऑप्शन है आपके पास 1.5% टू 2.2% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2.0 टू 5.0, 2.50 टू 10 और 3.0 टू 12। तो आपको सिंपल जवाब देना कि कितने परसेंट अप्रेंटिसशिप एक एस्टेब्लिशमेंट या फिर एक फैक्ट्री रख सकती है। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, समहाउ कुछ कुछ आंसर सही हैं, कुछ कुछ गलत भी है। तो सिंपल सी बात, जो हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है, जो एक्ट बनाया गया था प्रशिक्षु को ट्रेनिंग देने के लिए, उसमें क्या था, सिंपल कहा गया था कि जितने भी हम जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर जो अप्रेंटिसशिप रखे जाएंगे, ठीक है, मतलब इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल के अंदर आपको कितने अप्रेंटिस रखने हैं, वो आएगा 2.5 टू 10%, यानी कि 2.5% से लेके 10% तक जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनके रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो एक फैक्ट्री काम कर रही है, हीरो मोटर को कंपनी है, फैक्ट्री है जो भी है, वो उसके अंदर 100 बंदे अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, 100, भले वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, भले वो पक्के लगे हो, ठीक है, जैसे भी, अगर 100 वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो कम से कम उसका 3%, यानी कि 3 प्रशिक्षु, यानी कि 3 जो आईटीआई के जो ट्रेनीज है उनको अप्रेंटिसशिप दी जाए, ठीक है, उनको एज ए अप्रेंटिस वहां पे रखा जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि 3 से 10 स्टूडेंट को आपको रखना पड़ेगा अगर आपके पास 100 वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। आप सबको पता है कि 2 प्रकार के वर्कर होते हैं, एक तो जो पक्की होते हैं, ठीक है, जिनकी जो बिल्कुल पक्की होती है, ठीक है, और सेकंड जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, जैसे कि मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा उस परसेंटेज के अंदर। अगर किसी कंपनी के अंदर 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, भले वो किसी भी पोस्ट के हो, ठीक है, 200 वर्कर काम कर रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा उस फैक्ट्री के अंदर 20 अप्रेंटिस रख सकते हैं और कम से कम 6 उनको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा। ओके, अब काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैंने जो लास्ट ईयर में ईयर्स बताए थे ना कि जो एनसीवीटी और एससीवीटी कब बना, तो उसके अंदर 1861 या समा कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूं कि वो एक एक्ट है, वो एक कानून है जिसके तहत वो बॉडीज बनाई गई थी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, उस काउंसिल को बनाने के लिए, उस सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए जिस एक्ट का यूज किया गया था उसका नाम 1861 या 1862 है, ठीक है, लेकिन जो हमारी एनसीवीटी बनी थी वो 1956 में ही बनी थी, ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961, क्योंकि 1961 में इसको अप्रेंटिसशिप एक्ट को बनाया गया था, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट दैट इज अवॉर्डिंग सर्टिफिकेट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियंस। ऑप्शंस आपके पास ए एनसीवीटी, बी डीजीईटी, सी एनएचडीए और डी डीईएमएच। ओके, 10 सेकेंड आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, 10 सेकेंड आपके पूरे हुए। तो जो मेरे को अभी आंसर देखने को मिल रहे हैं, आप कहेंगे कि आंसर आएगा इसका एनसीवीटी, क्योंकि जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं वो तो काम एनसीवीटी का है ना, और जिनको पता है वो आएगा डीईएमएच, ठीक है, राइट आंसर इसका आएगा डीईएमएच। समहाउ जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा, जब स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तब मैंने भी जवाब इसका एनसीवीटी दिया, फिर वो कहते सर जो ग्रेजुएशन वाले उनको तो देती नहीं एनसीवीटी, तो आंसर सही कैसे आएगा। सभी ने सर्च किया डीईएमएच का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ नहीं मिला, तो क्या हुआ, मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, राइट आंसर आपका डीईएमएच आएगा,
क्योंकि एनसीवीटी जैसे आपने कहा वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जो आईटीआई हैं जो सीटीआई हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। डीजीटी तो हमारी संस्था है ना, वो सर्टिफिकेट देती नहीं है, ठीक है। देन एनएचडी, उसका काम रिव्यू करने का है। तो क्या हुआ, हमारा कौन सा बचा, डीईएमएच। तो डीईएमएच का क्या मतलब हुआ, अब जो हमारी डीजीटी है उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो ग्रेजुएट्स हैं टेक्नीशियंस हैं या फिर टेक्नीशियन जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर है, ठीक है, या फिर हमारे अप्रेंटिसशिप्स हैं, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना किसका काम है, ठीक है, उसका काम है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन बाय वोकेशनल, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर बाय द एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका फुल फॉर्म तो मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, ना ही मैंने इतने डिपार्टमेंट सर्च किए, इतनी मिनिस्ट्री सर्च किए, कहीं भी इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता चली। लेकिन हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी ये एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर हमारे जो टेक्नीशियन है ना, उनको कौन प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट, वो करता है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि इसका राइट आंसर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सिंपल सी बात, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, जिसको हम आज मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, तो उसके अंडर एक काम कर रही है हमारा डिपार्टमेंट, उसका नाम है हायर एजुकेशन, ठीक है। वो सारे ग्रेजुएशन को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया हमें राइटिंग जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो, ठीक है, या फिर जो हमारी जो हायर एजुकेशन है इसका पुराना नाम हो, तो सर्च करने पे भी नहीं मिला। बट आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि बाकी जो तीन ऑप्शन है वो क्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को आपने देखना है, उसके हिसाब से आंसर देना। तो सिंपल सी बात, ग्रेजुएशन या फिर जो ग्रेजुएट्स है हमारे टेक्नीशियंस है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। वो किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे डीजीटी अपना काम करता है ना एमएचडी के अंदर, उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन हु प्रोवाइड लाइव इंटरेक्शन टू द लर्नर ड्यूरिंग ए लर्निंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, अब जब कुछ आप लर्न कर रहे हो, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटी के दौरान जब लर्नर लाइव इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उस टीचर को, उस अध्यापक को क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास टीचर, ट्रेनर, लर्नर और इंस्ट्रक्टर। 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए मुझे। ओके, कुछ कुछ आंसर गलत हैं, कुछ कुछ सही हैं। तो इसमें क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं टीचर, ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर के बीच फर्क क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, नेम द पर्सन हु प्रोवाइड लाइव इंटरेक्शन टू द लर्नर। अब बात ही हमारी लर्नर की हो रही है तो सी आंसर तो आएगा नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ए, बी और डी के अंदर कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। तो फर्स्ट है टीचर। अब टीचर कौन होता है, ए पर्सन हु वर्क्स टू इम्पार्ट नॉलेज इन ए ऑफिशियल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब जो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कोई शिक्षा देता है, सिंपल सी बात, जो थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं ना वो आपका एक टीचर होगा, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल्स में देखा होगा ना, हम आप टीचर्स कहते थे हमारे अध्यापक को, ठीक है, जो हमें पढ़ाते थे हम उनको टीचर्स कहते थे, ठीक है, और जो हमें आईटीआई में पढ़ा रहे हैं उनको इंस्ट्रक्टर कहते हैं, सिंपल सी बात। तो टीचर जो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज दे वो टीचर होगा, ठीक है। अब जितने भी जो करवा रहे हैं ना उसकी पूरी जिम्मेवारी टीचर की होगी, जितना भी सब्जेक्ट है उसकी पूरी जिम्मेवारी है उसको करवाना, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरा हमारा ट्रेनर, ट्रेनर कौन होता है, ए पर्सन हु गाइड एंड सपोर्ट समवन इन एक्वायरिंग न्यू फिजिकल स्किल्स। अब फिजिकल स्किल्स कौन सी होती है, जैसे आपके कोच हो गए, ट्रेनर हो गए, अगर आपको कोई डांस करवाना सिखा रहा है तो आपका ट्रेनर हुआ, अगर आपको कोई क्रिकेट खेलना सिखा रहा है तो आपका ट्रेनर हुआ, अगर आपको कोई जो पर्सनल जिम ट्रेनर है वो भी ट्रेनर हुए, ठीक है, अगर आपको कोई जिम करना सिखा रहा है ना, जिम के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, वो भी आपके ट्रेनर हुए। यानी कि जितने भी फिजिकल आपको स्किल कोई करवा रहा है ना तो वो ट्रेनर होगा, ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। टीचर क्या होता है, जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे, ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेनर कौन हुआ, जो आपको फिजिकल नॉलेज दे, ठीक है, और जो हमारा लास्ट इंस्ट्रक्टर, ए पर्सन हु प्रोवाइड लाइव इंटरेक्शन टू द लर्नर्स। यही तो क्वेश्चन है ना, जो लाइव इंटरेक्शन करवा रहा है एक्टिविटी के दौरान उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, ए पर्सन हु प्रोवाइड लाइव इंटरेक्शन। अब इसका क्या मीन हुआ, सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं,
थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे दी, ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर ने आपको जो थ्योरी आपको पढ़ा दी, उसके बाद जब आप स्किल परफॉर्म कर रहे हो तब भी तो आपके साथ ही होते हैं ना, भले उन्होंने पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, लेकिन जब आप उस स्किल को सीख रहे हो तब वो आपके साथ ही होते हैं, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि कैसे स्किल को परफॉर्म करना है, तो वो कौन होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, जो आपको नॉलेज भी दे स्किल भी दे और साथ ही साथ उस लर्निंग के दौरान आपके साथ हो, वो कौन हो, इंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना फर्क है टीचर ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर के बीच में, ये पहले ही हमारे जो प्रीति मैम है वो लेक्चर ले चुके हैं, कंप्लीट यूनिट वन उन्होंने करवा दी, कंप्लीट हिंदी के अंदर करवाई है। अब काफी जो साउथ साइड के एनेस्थेसिया के अंदर प्रॉब्लम रहती है कि हमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश समझ आती है अच्छे से, लेकिन सबको इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है, तो उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश में हमें कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो बिल्कुल हिंदी में आपको लेक्चर दिया, कंप्लीट यूनिट वन आपको करवा दी गई है, आप देखिए जाइए देखिए, पूरी कंप्लीट करवाई है प्रीति मैम ने, ओके। तो अब आपको फर्क पता चल गया होगा टीचर ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर के बीच में। तो सिंपल सी बात, जो आपको लाइव एक्टिविटी के दौरान आपका इंटरेक्शन में रहे, आपका साथ रहे, वो कौन होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, तो डी आंसर राइट आ जाएगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु गाइड्स एंड सपोर्ट सम इन एक्वायरिंग न्यू फिजिकल स्किल्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द फिजिकल एक्टिविटी एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन ए सिस्टमेटिक मैनर। 10 सेकेंड आपके पास, जवाब दीजिए। टीचर ट्रेनर लर्नर और इंस्ट्रक्टर सेम ऑप्शन है, जवाब दीजिए। ओके, सबको पता है राइट आंसर क्या आएगा, हमारा ट्रेनर आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अगर कोई आपको फिजिकल स्किल्स दे रहा है वो कौन होगा, इंस्ट्रक्टर, सॉरी ट्रेनर होगा, ठीक है। स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना आप देख रहे हो साइना नेहवाल, पी गोपीचंद और पीवी संधू, और साथ ही हमारे गैरी क्रिस्टन 2011 में जितवाया था ना वर्ल्ड कप, याद है ना सबको, धोनी ने 6 मार के हमें वर्ल्ड कप जिताया था श्रीलंका के खिलाफ। तो उनको ट्रेनिंग किसने दी थी, एक ट्रेनर ने दी थी ना, जो ट्रेनर है कोच है उनको भी ट्रेनर कहा जाता है, ठीक है। तो गैरी क्रिस्टन हमारे जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, साथ ही साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड, साइना नेहवाल आप देख पा रहे हो, ठीक है, उनको भी किसने, एक कोच ने गाइड किया ना, जैसे हम मान लो आपको आई तो इनको भी ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ओके। जो भी आप क्या होगा, ट्रेनर होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन हुज मेन जॉब इज टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इंक्लूड प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे कि उस पर्सन का क्या नाम होगा जो हमारे लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करता है, ठीक है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग और एवेल्युएशन इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो क्या आएगा, आप सबको पता है, ऑप्शन आपके पास एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर और लर्नर, जवाब दीजिए। 10 सेकेंड आपके पास। ओके, सबको पता है क्योंकि आप सब भी लेसन प्लान बना चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेट प्लान बना चुके हैं, क्योंकि जो हमारा फोर स्टेप मेथड होता है, जैसे फोर स्टेप है ना, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग और इवेल्युएशन, कहाँ यूज होता है ये फोर स्टेप मेथड हुआ ना हमारा, ये किसमें होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग में यूज होता है। तो कौन आएगा, इंस्ट्रक्टर, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना, क्योंकि जो आप स्किल सिखा रहे हो वो इंस्ट्रक्टर ही सिखाएगा, जैसे मैंने आपको बताया स्किल कौन सिखाता है, इंस्ट्रक्टर सिखाता है। तो इंस्ट्रक्टर क्या यूज करते हैं, फोर स्टेप मेथड यूज करते हैं, कौन से, प्लानिंग, प्रिपरेशन, टेस्टिंग और इवेल्युएशन, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, भले ही ये बुक के अंदर साफ साफ दिए हो लेकिन अच्छे क्वालिटी के है ना, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये, आपको सिंपल कह देते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग कौन देता है या आईटीआई में कौन मिलता है, आप कह देते हैं हाँ भाई इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है, ठीक है। इसमें कह दिया विच इंक्लूड प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, तो इसमें एक रेफरेंस हो गया कि हाँ जो फोर स्टेप मेथड है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर यूज किया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग में कौन पढ़ाता है हमें, इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, तो इस तरह से काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, तो जो आपको याद रखने, ठीक है।
तो ये हमारा आ जाएगा इंस्ट्रक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोल बाय विच द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज अपडेट देयर नॉलेज अपग्रेड देयर स्किल विद ए न्यू टेक्निक। अब ऑप्शंस आपके पास, ए एज ए स्टूडेंट, बी एज ए मैनेजर, सी एज ए ऑर्गेनाइजर, डी एज ए प्रिंसिपल। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं जवाब देने से पहले। उस रोल का नाम क्या होगा जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर खुद की नॉलेज को और खुद की स्किल को बढ़ाते रहता है नई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई नई टेक्निक के साथ अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहता है। तो आप सबको पता है काफी रोल अदा करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्टर को, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और इंस्टीट्यूट के लिए भी, ठीक है। तो उनके अंदर पूछा गया है एज ए स्टूडेंट, एज ए मैनेजर, एज ए ऑर्गेनाइजर और एज ए प्रिंसिपल, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा? ओके, राइट आंसर सबको पता है, अगर कोई इंस्ट्रक्टर अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है तो क्या एज ए स्टूडेंट खुद की नॉलेज को बढ़ा रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज ए स्टूडेंट, ठीक है, एज ए लर्नर मैं अपनी जो वोकेशनल है ना, हमारी जो ट्रेनिंग है या फिर मेरी जो स्किल है या फिर मेरी नॉलेज है उसको मैं बढ़ाता रहूँ नई नई टेक्नोलॉजी से, ठीक है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको मैंने गेन करना है, उसको सीखना है ताकि मैं बच्चों को भी सिखा सकूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये चीज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच टेक मैक्सिमम एफर्ट टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी एंड कल्टिवेट प्लीजेंट मैनर्स। अब इसमें पूछा गया उस पर्सनैलिटी का क्या नाम होगा जिसमें मैक्सिमम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने चरित्र को डेवलप करने के लिए, एक अच्छे मैनर में उसको डेवलप करने के लिए कौन सी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होगा। ऑप्शन दिया गया आपके पास चार, टुवर्ड्स ट्रेनर ट्रेनिज, टुवर्ड द सोसाइटी एंड नेशन, टुवर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ और टुवर्ड द प्रोफेशन। 10 सेकेंड आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि मैक्सिमम एफर्ट लगाए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, एफर्ट लगाए खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अब बात तो खुद की हो रही है ना, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति है कि मैं अपना जो कारोबार है, जो मेरा मेरी पर्सनैलिटी है उसको अपडेट करूँ। तो सिंपल सी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है, खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हमारा जो एफर्ट लगाए हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, इन ए प्लीजेंट मैनर, ठीक है, अच्छी तरह से उसको डेवलप करना। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी, टूवर्ड्स हिम और हर सेल्फ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम फॉर ए वॉलंटरी एक्शन रिपीटेड वेरी ऑफन बाय इंडिविजुअल। अब कोई इंडिविजुअल बारी बारी किसी चीज को दोहरा रहा है तो क्या कहलाएगा, हैबिट, पर्सनैलिटी, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी। सिंपल है, आपको कोई चीज बार बार दोहरा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, पर्सनैलिटी कहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कहेंगे या मेंटल एक्टिविटी कहेंगे या फिर उसको कहेंगे हैबिट। जवाब दीजिए। ओके, राइट आंसर, जैसे आपको पता है सिंपल सी बात, अगर कोई चीज आप बार बार दोहरा रहे हो तो क्या आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर का क्वेश्चन है, हैबिट क्या आती है, हैबिट आर दी वॉलंटियर एक्शन रिपीटेड वेरी ऑफन बाय इंडिविजुअल, ठीक है, अगर किसी चीज को बारी बारी आप कर रहे हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। ओके, तो ये चीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्वालिटी दैट एन इंस्ट्रक्टर कैन बी प्रॉम्प्ट रेगुलर एंथुसियास्टिक्स ओनली इफ ही कीप गुड हेल्थ। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, उस चीज का नाम क्या है, उस क्वालिटी का नाम क्या है जो इंस्ट्रक्टर प्राप्त करता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करता है, कौन सी, रेगुलर एंथुसियास्टिक ओनली इफ ही कीप्स गुड हेल्थ। अब वो अपनी जो हेल्थ है वो अच्छी रखता है, ठीक है, उत्साह पूर्ण रहता है, तो वो कौन सी क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम बताना है हमें। तो सिंपल है, आपको सबको पता ही आंसर इसका, फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, मोरल क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटी। आंसर दीजिए, 10 सेकेंड आपके पास। ओके, राइट, सबको पता, सबका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट, फिजिकल क्वालिटी,
क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख रहा है तो क्या हुआ, उसकी फिजिकल क्वालिटी हुई ना। गुड हेल्थ इंस्ट्रक्टर कैन बी प्रॉम्प्ट रेगुलर एंथुसियास्टिक्स बाय कीपिंग गुड हेल्थ। अगर मान लो इंस्ट्रक्टर अपनी हेल्थ अच्छी रख रहा है, ठीक है, उत्साह पूरा रह रहा है, तो क्या हुआ, उसकी फिजिकल क्वालिटी हुई। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वट इज द नेम ऑफ क्वालिटी दैट एन इंस्ट्रक्टर मस्ट बी इम्पार्शियल इन हैंडलिंग एंड डीलिंग विद ट्रेनिंग। अब उस क्वालिटी का नाम बताना है हमें जो इंस्ट्रक्टर में होनी चाहिए, वो कि कैसे वो ट्रेनिंग को हैंडल करे, ठीक है, और कैसे उनको डील करे। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन आपके पास फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, मॉरल क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटी। 10 सेकंड के टाइम में जवाब दीजिए। ओके, तो समहाउ सही आंसर आपके, बट इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि इंस्ट्रक्टर उनको हैंडल करता है ट्रेनीज को, ठीक है, हैंडल करता है, डील करता है। तो सिंपल सी बात, अगर हम उसके अंदर मॉरल क्वालिटीज है, ठीक है, वो कैसे उनको बोल रहा है, ठीक है, किस वे में उनको बोल रहा है, कैसे वो हैंडल कर रहा है। अगर कोई असाइनमेंट नहीं बना रहा तो उसको कैसे हैंडल कर रहा है, मॉरली करेगा ना, बोलेगा ही ना वो उसको, तो किस तरह से उसको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई स्टूडेंट परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कुछ सामान तोड़ दिया, भाग गया बाहर, या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको कैसे डील करना है इस सिचुएशन में। तो मॉरल क्वालिटीज होनी चाहिए सब, ठीक है, कि ये सब मॉरल क्वालिटीज में ही आएगा, ठीक है, कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको जो गलत रास्ते पे वो चल रहा है तो उसको सही रास्ते पे लेके आना। तो ये सब क्वालिटीज इंस्ट्रक्टर में होनी चाहिए, ठीक है, और जो किस में आएंगी, मॉरल क्वालिटीज में आएंगी, ठीक है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है वो आएगी मॉरल क्वालिटीज के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेटमेंट ऑफ, एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, द इंस्ट्रक्टर हैज टू मेक कोर्स इंटरेस्टिंग। अब एक इंस्ट्रक्टर को कोर्स इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, अब किस टाइटल के अंदर आएगा। आपको टाइटल दिए हुए पर्सनैलिटी, ऑप्शन है ना, जो पर्सनैलिटी, फिजिकल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी और ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर के कौन से लक्षण है। तो आपको आंसर देना है इसका, 10 सेकंड के टाइम में जवाब दीजिए। ओके, तो सबको पता है, अब इसके अंदर पर्सनैलिटी नहीं आ सकता, फिजिकल नहीं आ सकता और ना ही पर्सनल क्वालिटी आ सकता, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो इंस्ट्रक्टर को एक कोर्स इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, तो बात इंस्ट्रक्शंस की हो रही है ना, कैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि हैज टू मेक कोर्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहले दिया गया कि इंस्ट्रक्टर का काम है कोर्स को इंटरेस्टिंग बनाना, ठीक है, मान लो कि कुछ नए नए एग्जाम्पल देना, कुछ ऐसी चीजों के एग्जाम्पल देना जो इनको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, तो ये सब चीजें, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर में आएंगी, ठीक है। तो अगर मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए द स्टेटमेंट द इंस्ट्रक्टर हैज टू मेक कोर्स इंटरेस्टिंग, किसमें आएगा, ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एक्शन टू बी टेकन बाय द इंस्ट्रक्टर बिफोर टीचिंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मेड बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेस। अब कौन कौन से एक्शन लिए जाने चाहिए इंस्ट्रक्टर के द्वारा, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में, एक अच्छे ढंग से रिसोर्सेस को यूज करना, ठीक है, जो जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनको कैसे यूज करना, उस एक्शन को क्या कहा जाएगा, ठीक है, या फिर जो एक्शन लिया जाएगा उसको क्या कहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, ऑप्शन आपके पास, ए प्लानिंग, बी असेसमेंट, सी प्रिपरेशन और डी मेथड। जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो काफी कम रिस्पॉन्स है, तो इसको आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, वट एक्शन टू बी टेकन बाय इंस्ट्रक्टर बिफोर टीचिंग। अब टीचिंग से पहले कौन सा एक्शन उन्होंने लेना है, ठीक है, कौन सा एक्शन टीचिंग से पहले लेना है, यानी बात हमारी प्लानिंग की हो गई, टीचिंग से पहले तो हम प्लानिंग ही करते हैं ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मेड बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेस। अब अवेलेबल रिसोर्सेस में क्या होगा, मान लो जैसे आपका कुछ, आपके पास मशीन कौन कौन सी अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है, कौन सी टीचिंग एड है आप पास जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसे अगर प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर का यूज करके, उस रिसोर्स का यूज करके कैसे पढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके लिए पीपीटी बनानी पड़ेगी।
चाकबोर्ड के लिए मान लो आपने लेसन प्लान पहले ही बना लिया कि हाँ मैंने ये चीज बतानी है, तो ये सब चीज किसमें आएंगी, अवेलेबल रिसोर्स के अंदर आएगी। तो उनके बेस पे आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आंसर आएगा कि प्लानिंग हमें करनी होती है टीचिंग से पहले, ठीक है। तो सिंपल आ जाएगा आंसर हमारा, प्लानिंग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ स्टेप द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इज आस्क। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर इसमें पूछा गया कौन से स्टेप में, सॉरी ये सिंपल पूछा गया। आपको पता है चार स्टेप होते हैं आपकी टीचिंग के अंदर, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग, ठीक है। तो उनमें से कौन से स्टेप के अंदर आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शंस आपके पास, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, समरी, डी असाइनमेंट एंड टेस्ट। ओके, तो जवाब दीजिए। ओके, सबके राइट आंसर है, बिल्कुल राइट। अब इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझ आ रहा है जो हमारा क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कौन से होते हैं जो इंट्रोड्यूस कराने के लिए किए जाए, ठीक है, किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या प्राइमरली क्वेश्चन भी आप इनको कह सकते हो। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे, प्रिपरेशन कि भैया अब हम बात करते हैं पिछली क्लास की, ठीक है, कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बताई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से मैंने आपके क्वेश्चन पूछ लिया भैया एनसीवीटी क्या होता है, ठीक है, या फिर एनसीवीटीवीटी क्या होता है, ठीक है, और इनमें फर्क बताइए, एनएसडीए का गठन कब हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, पिछली क्लास के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज की क्लास में आपको रेडी करने के लिए। तो क्या होगा, वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वो किसमें पूछे जाएंगे, आपके प्रिपरेशन स्टेप के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम दैट इज एसेंशियल पार्ट इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड आल्सो इट विल बी हेल्प द इंस्ट्रक्टर फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। अब उसका नाम पूछा गया जो पार्ट जरूरी है, ठीक है, एसेंशियल पार्ट मतलब जरूरी हिस्सा जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में होना चाहिए और वो उसके साथ साथ आपकी हेल्प करता है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प करता है खुद को परखने के लिए, खुद को इवेल्युएट करने के लिए, जांचने के लिए, खुद का मूल्यांकन करने के लिए। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ए प्लानिंग, बी क्वेश्चनिंग, सी इवेल्युएशन और डी फीडबैक। आंसर दीजिए। ओके, तो कुछ कुछ आंसर सही है, कुछ आंसर क्वेश्चनिंग क्या रहे हैं, कुछ इवेल्युएशन क्या रहे हैं, देन कुछ फीडबैक भी, जो राइट आंसर हमारा। तो इसका राइट आंसर आएगा फीडबैक। अब फीडबैक क्यों आएगा, जैसे देखिए अब क्वेश्चन देखिए अपना क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम दैट इट इज एसेंशियल इन पार्ट इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, कि टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी है ना हमारी, गतिविधि है टीचिंग लर्निंग, उसके अंदर जरूरी हिस्सा है, ठीक है, जरूरी हिस्सा है, साथ ही साथ वो हेल्प करता है इंस्ट्रक्टर की खुद इवेल्युएशन के लिए कि भैया मेरी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, कितना बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, कितना बच्चे समझ पा रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में जब तक फीडबैक नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कितना वो समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर वो कह रहे हैं, मान लो आप उन्होंने फीडबैक दिया कि सर आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हो, ठीक है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है बोलने की, थोड़ा कम कीजिए हमें ताकि समझ में आए, ठीक है, उसके बाद सर आप बैठे रहते हो, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्टर है जो बैठ के सिर्फ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, सर आप बैठे रहते हो, खड़े नहीं होते, हमें आपके एक्सप्रेशन नहीं पता चलते, तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना उस चीज को। तो जब कोई बोल रहा होता है तो उसका सामने होना भी बेहद जरूरी है, इस तरह की अगर मान लो कोई कमी है तो आप दूर कर सकते हो, और आप बच्चे कह देंगे सर आपकी राइटिंग बहुत खराब है, हमें समझ नहीं आती, तो उनको एक्स्ट्रा नोट प्रोवाइड करवाइए, ठीक है, इस तरह आप अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो ना। तो ये सिंपल किसमें आ जाएगा, फीडबैक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो फीडबैक से आप खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म इन एजुकेशनल सिस्टम विच इज डिफाइंड एज लर्न टेंडेंसी टू इवेल्युएट थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए आपके पास, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन और क्यूमुलेटिव। आंसर दीजिए, 10 सेकंड आपके पास।
ओके तो आंसर कुछ हद तक सही है आपके। तो इसमें सिंपल आपको क्वेश्चन को देखना है, इसको भी ये क्वेश्चन सिंपल आपके नोटबुक में से लिए गए हैं, जो राइटिंग वहां पे यूज की गई है ना, सिंपल वही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने पहले बुक को पढ़ा है तो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे, कम से कम इन 20 क्वेश्चन में से एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई फुल फॉर्म नहीं पूछी होगी, सिमी की फुल फॉर्म क्या होती है, निमी क्या होती है, डीजीटी कब बना, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये वैसे क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को नहीं मिले, ठीक है? आपको शास्त्री की जो क्वेश्चन है उनमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये काफी यूनिक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि निमी ने बनाया, ठीक है? क्योंकि निमी ने पब्लिश किया ना और निमी ही क्वेश्चन बैंक बना रहा है, तो ये चीजें जरूरी है अपने लिए। ओके तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका आएगा राइट आंसर एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे आएगा? सिंपल बुक की लैंग्वेज है ये, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग डूइंग एंड बिहेविंग। अब एटीट्यूड क्या होता है? एक तरीका है सोचने का कि किस तरह से एक बच्चा सोच रहा है, ठीक है? इन केस आप इंस्ट्रक्टर एज इंस्ट्रक्टर बात करो कि मेरा स्टूडेंट किस तरह से चीजों को सोच रहा है, ठीक है? किस तरह से चीजों को कर रहा है, यानी कोई प्रैक्टिकल रहा है तो किस तरह से कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है तो किस तरह से वो सोचता है, उसकी सोच कैसी है। एंड देन बिहेव, अगर कोई चीज घटना घटती है तो उसके ऊपर उसका कैसा रिएक्शन रहेगा, कैसा वो बिहेव कर रहा है, ठीक है? उसका बिहेवियर कैसा है क्लास में, तो ये सब चीज मिला के क्या होगा, एक उसका रवैया बनेगा, एटीट्यूड बनेगा, ठीक है? अब इसी में क्या कहा गया, इन एजुकेशनल टर्म एटीट्यूड इज डिफाइंड एज ए लर्नर्स टेंडेंसी टू इवेल्युएट थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। तो अब इसमें सिंपल कहा गया है, एजुकेशनल टर्म में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो किस प्रॉपर वे में कैसे चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है? कैसे उनका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कैसे चीज समझ पा रहे हैं, कैसे उनका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, ये किस में आएगा? एजुकेशनल टर्म में आएगा, एटीट्यूड को कहा जाएगा, ठीक है? तो सिंपल यही आपसे पूछा गया है, विच इज डिफाइंड एज लर्न टेंडेंसी टू इवेल्युएट थिंग्स, क्या आएगा? एटीट्यूड आएगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड एज एन एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म पार्टिकुलर जॉब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया आपके पास, स्किल, टेक्निक, मेथड और टेक्नोलॉजी। आंसर दे दीजिए जल्दी से। ओके, सबका राइट आंसर है बिल्कुल, क्या आएगा? स्किल आएगा। स्किल क्या होती है? किसी चीज को करने की कैपेसिटी, किसी करने को क्षमता, ठीक है? किसी चीज को करने की योग्यता, एबिलिटी मतलब योग्यता कह सकते हो आप, ठीक है? किसी एक जॉब को करने की योग्यता या फिर कैपेसिटी क्या कहलाएगी? आपकी स्किल कहलाएगी। ओके तो इसमें सब दिया हुआ ना, एबिलिटी, ग्रोथ, एडवांस ट्रेनिंग, नॉलेज, लर्निंग, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, देन कॉम्पिटेंस, ये सब किस में आएगा? स्किल के अंदर आएगा। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी जॉब को करने की एबिलिटी को क्या कहेंगे, क्षमता को क्या कहेंगे, स्किल कहेंगे, ठीक है? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो उससे पहले मैं सेशन कंप्लीट करूं, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आई थिंक मैं आज खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और मैं आपको इसी तरह की जो क्वेश्चंस है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करता हूं। जितने भी यूनिट्स है हमारे जो टीम है, प्रीति मैम, श्रुति मैम, वो साथ में करवा रहे हैं, ठीक है? और जो भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन बैंक है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का, भारत स्किल क्वेश्चन बैंक है, मैंने कंप्लीट करवाया, पूरा का सोल्यूशन दिया उसका, कैसे चीजें, कैसे उसका राइट आंसर आएगा, क्यों आएगा, या फिर कोई आंसर गलत था तो वो सही क्या आंसर आएगा, ठीक है? वो सब मैंने पूरे 7 सेशन लिया, आप देख सकते हो जाके, ठीक है? देन उसके बाद जो हमारी यूनिट NSQF हो गया, प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग, देन उसके साथ साथ जो हमारा 11th यूनिट थी ICT, तो वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया, मोस्ट ऑफ वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ साथ PPT कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया, सेशंस लिए मैंने, 5 सेशन अलग अलग लिए, हर एक टूल को बताया कैसे करते हैं और कैसे आप इफेक्टिव PPT बना सकते हो, ये सब सेशन हमने पहले कंडक्ट कर लिए हैं, ठीक है? और पूरा हिंदी के अंदर है सारी, हम जितना भी करवाते हैं पूरा हिंदी के अंदर करवाते हैं। तो मेरा बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हम किसके लिए करवा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? ताकि आपको भी समझ आए, ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, क्योंकि ऑल ओवर NSTI में काफी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको हिंदी नहीं आती, मतलब हिंदी आती है लेकिन जो इंग्लिश में करवा रहे हैं TOs, जैसे मान लो NSTI चेन्नई हो गई, ठीक है, त्रिपुरा हो गई, जहाँ पे हिंदी बहुत कम बोली जाती है, ठीक है? तो बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर हिंदी के अंदर हमें
बताया नहीं जाता, इंग्लिश हमें समझ आते नहीं तो क्या करें, पीओ टीम तो हम फेल हो जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हो जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का एनएक्सटी चेन्नई में, आई थिंक 60% बच्चे थे जो पास हुए थे, बाकी 40% फेल हो गए थे। किसकी वजह से? लैंग्वेज की वजह से। तो अब उनके लिए क्लासेस हिंदी में इसीलिए ली जा रही हैं, हम इसीलिए क्लासेस ले रहे हैं ताकि उनको भी समझ आए। तो टोटल हमारे पास जितने स्टूडेंट है, लाइक 500 स्टूडेंट है जो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अकेली एनएसटी चेन्नई के अंदर 800 स्टूडेंट, तो बाकी एनएसटी के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ये जो 500 स्टूडेंट है, 500-600 स्टूडेंट है, ये सिर्फ एनएसटी चेन्नई से नहीं है, एनएसटी चेन्नई से सिर्फ 100 या 150 स्टूडेंट हमारे पास हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, अपने जो रूममेट्स हैं उनके कम से कम एक बार तो कहिए ना कि भैया क्लासेस चल रही हैं, हिंदी के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, आप आइए ज्वाइन कीजिए, ठीक है। साथ के साथ आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो रही है, यूनिट्स भी आपकी क्लियर हो रही है, तो ये चीज, तो अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है। वैसे 5 बजे डेली क्लासेस होती हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये चीज है, ठीक है। तो बस मेरा यही था कहना। उसके साथ साथ ट्रेनिंग मेथोलॉजी के मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं, भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आप उन मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और साथ ही इस पीडीएफ के अंदर भी। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। बाकी जो ट्रेड्स हमारे ड्राफ्ट में सिविल, कोपा या फिर सीएसए, सिविंग टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, उनके भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप पीडीएफ के अंदर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा नीचे लिंक का बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक मैंने आपको इस ग्रुप में भी दे, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, साथ ही साथ पीडीएफ में भी दे दिया। और अगर आप चाहे नोटिफिकेशन आपको चाहिए डेली क्लासेस के, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनरली मैं किसी को नहीं कहता कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, बट आज मेरा कहने का यही मतलब था, अगर हम क्लासेस ले रहे हैं तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए ना, ताकि आप उनको पर्सनली एक बार बोलिए कि भैया आओ क्लासेस लग रहे हैं, क्लासेस अटेंड करो। अगर तुम्हें पहले इंग्लिश में प्रॉब्लम थी तो आप हिंदी में पढ़िए, ठीक है। हिंदी में आपको पढ़ाया जा रहा है, हर चीज को समझाया जा रहा है, तो आप आइए क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट पास होने जितना तो आप करिए ना, कि हम पास हो जाए। भारत स्किल क्वेश्चन बैंक तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थी वो याद रख ली, तो ये सब चीज, ओके। तो थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए अब तक। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कल सुबह 10 बजे डाउट सेशन होगा, जिसके अंदर आप अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो जूम ऐप के ऊपर, ठीक है। जूम ऐप का लिंक आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, यहाँ कहीं भी मैं दे दूंगा साथ ही साथ, ठीक है। तो उसके बाद थैंक यू ऑल, बस यही कहना था। और साथ ही साथ कल सुबह 11 बजे प्रीति मैम क्लास लेंगे क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन है क्वेश्चन टेक्निक्स, तो उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुबह की जो क्लास है वो 11 बजे होती है और शाम की क्लास वो 5 बजे होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए, बाय ऑल, बाय बाय।